नमस्कार, मैं हूँ साधना सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आज दिनांक 18/2/2020 का दिन बड़ा ही बेरोजगारों को खुशी प्रदान करने वाला दिन था, क्योंकि आज बलौदाबाजार जिले में छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी का आगमन हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से पूरे जिले के जितने भी औद्योगिक कारखाने वाले व्यापारी हैं उनको आमंत्रण था, जिनका साफ उद्देश्य औद्योगिक वाले व्यापारियों से जो स्थानीय निवासी बेरोजगार युवा वेज हैं उनको नौकरियां दिलवाना है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी का कहना है कि हम पूरे राज्य में अलग अलग समय में अलग अलग जिले में यह एक दिवसीय औद्योगिक विकास संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि औद्योगिक वाले जगहों पर जो बाहर से कर्मचारी नियुक्त हैं उनको न रखकर स्थानीय निवासी युवा बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी जाए। और यह कार्यक्रम बस्तर जगदलपुर के बाद आज दलौदाबाजार जिले में हुआ, उसके बाद बाकी बचे जिलों में किया जाएगा। हमारे माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व का सरकार बन के लगभग 13.5 महीना होने जा रहा है, 14 महीना लगभग होगा। हम लोग इतना दिन में कभी लोकसभा चुनाव आया, कभी नगर पंचायत का चुनाव आया, कभी पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव आया, तो अभी हम लोग फुर्सत पाए हैं। हमारा घोषणा पत्र में हमारा देश का नेता राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ का जनता को हम लोग रोजगार देने का वायदा किया है, क्योंकि आजकल देश में पूरा मंदी चल रहा है, देश में बड़ा बड़ा कंपनी को निजीकरण करने जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो भूपेश बघेल के नेतृत्व सरकार ने 2500 रुपया देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आईबीएन 9 न्यूज में। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।